सरकार शासकीय स्कूल में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नित नई नई योजनाएं बना रही है। विद्यार्थियों को नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं उन्हें शिक्षा देने वाले शिक्षकों को हजारों रुपए माहवार वेतन भी दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जिसका नजारा बड़नगर के भाट पछलाना में देखने को मिला। देखें एक खास रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि भाट पछलाना के शासकीय स्कूल में शिक्षक मात्र खानापूर्ति करने और वेतन लेने के लिए ही आते हैं। ये हम नहीं कह रहे, स्कूल की दशा देखकर साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पंखे टूटे हुए हैं, कुर्सी और बेंच अंतिम सांसें ले रही हैं, और तो और समय से पहले शिक्षक स्कूल से रवाना होकर घर में आराम फरमाने पहुँच जाते हैं और जड़ जाते हैं स्कूल पर मोटा सा ताला। वहीं जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली तो सरपंच प्रतिनिधि भानु प्रताप सिंह सहित ग्रामीण स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे तो विद्यालय के हालात देखकर दंग रह गए। विद्यालय में एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं था, ना ही अन्य कोई स्टाफ था, जिससे गुस्सा होकर सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने मिलकर पंचनामे की कार्रवाई कर दी, जिस पर बीईओ लोकेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि पंचनामे के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा और उसके निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुझे अभी आपके द्वारा पता लगा है कि वो पंचनामा बनाए हैं और वहाँ से काफ़ी लोगों ने पंचायत सरपंच ने इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार की है, बताया है और शिक्षा भी हुए और जिंदगी की जो बात की जा रही है हुए हैं इस पंचनामे को मौका था और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रस्ताव बनाने में सुबह वहाँ से जैसे भी निर्देश मिले वरिष्ठ कार्य हालांकि अब देखना होगा कि बदहाली के आंसू बहा रही इस स्कूल को शिक्षा के मंदिर में स्थापित किया जाएगा या एक बार फिर वही होगा जो होता आया है, यानी वही लीपा पोती का काम। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बड़नगर।